छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो बच्चे बीए और बीएससी के हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में, वो अपनी स्टडी के लिए कॉलेज आना प्रारंभ कर दें, पहली बात। दूसरी बात, जो इस वक्त थर्ड सेमेस्टर में आए हैं या फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, वो अपनी मार्कशीट को देख लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में कोई उनका बैक तो किसी सब्जेक्ट में नहीं है, क्योंकि वेबसाइट किसी भी समय खुल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने अपने महाविद्यालय से संबंध बना के रखें, जरा सा भी कोई लापरवाही ना दें। तीसरी बात, अपने अपने कॉलेज में अपनी जो एडमिशन फीस है, कॉलेज की फीस है, वो जमा कर दें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। चौथी बात, आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन हो चुका है, तो स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अपनी फीस जो है अपने कॉलेज से रसीद कटवाएं, क्योंकि वो रसीद आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में लगेगी। अपनी जो भी रसीदें हैं, जो भी आप कॉलेज फीस जमा करते हैं, वो रसीदें संभाल के रखें। इसके अलावा अपनी स्टडी पे फोकस करना शुरू कर दें, और कोई भी समस्या आती है तो आप डॉक्टर त्रिपाठी सर से, और जो कि यूट्यूब चैनल पर हैं @DrTripathiSir, तो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को देख करके, और मेरी लाइव स्ट्रीम भी आएगी तो उसमें आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होकर अपने मन की बात मुझसे जान सकते हैं। बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।